हिंदी और मैथिली से दिलचस्पी है। अच्छा, तो घर परिवार का सपोर्ट कितना इस रूम मिलता है? बहुत। सब लोग सपोर्ट करते हैं, मम्मी पापा, खासकर पापा, और म्यूजिक क्लास भी पापा ही ज्वाइन करवाए। और इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे सर का भी है, जो हाई स्कूल में अभी टीचर है, और उन्होंने बहुत मेहनत से हमें इस जगह पे लाया है। और उनका बहुत सपोर्ट है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो ऐसा उनका सोच है कि मैं आगे चल के उनका नाम रोशन करूं, आगे चल के परिवार का नाम रोशन करें। जी, आइडियल अपना किन को मानते हैं आप? सर को। और भी बहुत सारे भोजपुरी में कलाकार है, हिंदी में बड़े बड़े भोजपुरी जो है एक्ट्रेस है, तो सबसे पहले मैं श्रेय घोषाल और इकलता जी को सबसे ज़्यादा, और उसके बाद सोनू निगम, उनको पसंद करते हैं। जी, अगर मिलने का मौका मिले, आप जिनका नाम बता रही हैं, तो पहली मुलाकात में क्या कहेंगे उनको? सबसे पहले धन्यवाद करूँगी, क्योंकि उनका गाना इतना पुराना हो के भी अभी भी चल रहा है और हमेशा चलेगा। और जितने भी भोजपुरी गाना है, वो अश्लील टाइप का भी जो चल रहा है, पहले ठीक था, लेकिन अभी के ज़माने में जैसा चल रहा है अश्लील गाना सब, उनके लिए कहूँगी कि जो ये अश्लील गाना बना रहे हैं, उनको बहुत बहुत क्या बहुत बहुत उनको बहुत दिल से मेरा ये धन्यवाद देती हूँ कि वो अश्लील गाना बनाना छोड़ के, जैसे पुराने गाने सब गाते थे भोजपुरी में, वो गाए तो ठीक है, अश्लील गाना छोड़ दे। धन्यवाद क्या दे रहे हैं आप? मतलब धन्यवाद क्या देना चाहते? उनके मेहनत के लिए, मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन वो जो मेहनत कर रहे हैं वो अश्लील गाने पे ना करके, वो अगर इस गाने पे, पुराने गाने पे फोकस करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और उनको इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँ। यानी आप भोजपुरी को पसंद नहीं करते हैं? करती हूँ, जैसे पुराने गाने हैं उनको पसंद करती हूँ, और नए गाने भी हैं बट उसमें अश्लील बहुत ज़्यादा है। यानी सुनना पसंद नहीं है? जी। अच्छा, डांस वगैरह भी करते हैं? नहीं, डांस नहीं करती है, खाली स्टेज पे गाना गाती है। जी, ये बताएं कि जब आप कार्यक्रम करने जाती हैं, स्टेज पे जाती हैं गाने के लिए, तो एक रात का कितना मिल जाता है? 1000 मिलता है, 1,00,000 मिलता है, या फिर ये क्या होता है एक रात का? नहीं, मेरा 1,000-5,000 के लमसम में रहता है, और अभी वैसे अगर कहे तो 4,500 में हो जाता है अभी। 500 रुपये के लेता है? 500 रुपये हम ले लेते हैं और 4,000 पापा लेते हैं। अच्छा, जो काम आप करती हैं वो पैसा पापा को देती हैं? जी। अच्छा, पापा जी क्या करते हैं आपके? पापा जी पहले किराना स्टोर चलाते थे, पान दुकान था पहले उनका, अब वो मेरे साथ जाते हैं प्रोग्राम में। अच्छा, ताकि कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, कोई दिक्कत? कितनी भाई बहन है आपके? 5 बहन है और सबसे छोटा भाई है। अच्छा, आप कितने नंबर पे हैं? दूसरे नंबर पे हैं। मतलब इसी क्षेत्र में रहना है, गायकी के क्षेत्र में? जी। कुछ बेहतर करना है? जी। किसके तरह मतलब बनना चाहते हैं? हम म्यूजिक टीचर बनना चाहते हैं बस। जी, म्यूजिक टीचर? जी। गाना वगैरह जो कोई बड़ा, अक्षरा सिंह है, निशा उपाध्याय है, निशा दुबे है, लता मंगेशकर है, एक से एक दुनिया में जो है बड़े बड़े कलाकार है, तो आप बनना किसके तरह चाहते हैं? नहीं, बनना तो चाहते हैं, लेकिन अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं श्रेया घोषाल की तरह बनूंगी। अगर पॉसिबल मतलब? क्योंकि अभी जैसे हम लोग का स्थिति है, क्योंकि अभी वहाँ तक जाने के लिए बहुत पैसे वालों को, खासकर वहाँ पे पहुँचने में आसानी होता है। कोनो जरूरी है? सोशल मीडिया का दौर है, एक से एक वीडियो वायरल हो गया, किसी का फोन आ गया, कोई आपको बुला के मंच दे सकते हैं। जी, वो तो हो सकता है, लेकिन हमको म्यूजिक टीचर बनना है बस। जी, यही शौक? तो पुलिस? नहीं तो पुलिस, मतलब कंफ्यूज में है आप कि बने तो बने क्या? जी हा? जी, तो पुलिस की म्यूजिक टीचर? ज़्यादा तो म्यूजिक टीचर बनना है हमको। अब पुलिस बन गए तो मतलब किस तरीके से आपका काम काज होगा? पुलिस बनेंगे तो सबसे पहले हम घर पे, पहले जो बहन सब है, मेरी बहन भी छोटी है हमसे, जो वो भी पुलिस बनना चाहती है, और वो बोली कि अगर आप बनिएगा तो हमको भी बना दीजिए। यानी दिखौसा दिखौसी? जी। अच्छा, अंत में दर्शक को क्या कहेंगे आप? दर्शक को बहुत बहुत मेरा धन्यवाद लाइव देखने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया उनको मेरा ये, और आगे सब्सक्राइब इस चैनल को करें और लाइक जरूर करें और शेयर भी लोगों में करें।
आपको बहुत ज्यादा लोग देखे भी। जी कितना लाख लोग देखे? वो तो पता नहीं, जितना देख ले। अच्छा, नाम क्या है आपका? नैना। नैना वैष्णवी। देखिए नैना वैष्णवी है, इनके पापा किराना का दुकान चलाते थे। फिलहाल अभी क्या कर रहे हैं? मेरे साथ प्रोग्राम में। इनके साथ प्रोग्राम में जाते क्योंकि बेटी अच्छे से प्रोग्राम कर ले और घर वापस चले। एक रात का 4 से 5 हज़ार रुपया होता है। कार्यक्रम जब होता है तो फोन आता है तो जाती है। बट इनका सपना है कि हम म्यूजिक टीचर बने या पुलिस बने। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा जिस तरीके से ये मेहनत करती है क्या कुछ बन पाती है और कहाँ तक पहुँच पाती है। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल पे देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।